Hello everyone, in this video we will do multiple choice questions on data communication. Let us start with the first question. The device which translates the domain name into IP is, IP stands for Internet Protocol Address. Okay, so wo device ya wo system jo translate karta hai domain name ko into IP address. IP address kya hota hai? Numerical form mein hota hai. Aur domain name kya hota hai? Human readable form mein hota hai, or you can say text form mein hota hai, right? To yahan pe वो है हमारा DNS, डोमेन नेम सिस्टम, विच कन्वर्ट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस एंड आईपी एड्रेस इनटू डोमेन नेम. नाउ मॉडम स्पीड्स आर मेजर्ड इनटू मॉडम, जो डिवाइस होता है राइट, उसकी स्पीड किस में मेजर करते हो आप उसकी स्पीड मेजर करते हो बीपीएस में. बीपीएस स्टैंड्स फॉर बिट्स पर सेकेंड, राइट. तो मॉडम की स्पीड किस में मेजर होगी? बिट्स पर सेकेंड. www and internet are, www stands for world wide web, right, and internet are, क्या होता है ये दोनों? क्या होते हैं ये दोनों? एक दूसरे से related होते हैं, right. internet is what? It is the connection of the devices, right. internet में क्या है? एक device एक दूसरे से connect होके क्या बनाता है? internet बनाता है. और जब वो device एक दूसरे से connect हो जाते हैं तो वो क्या share करते हैं? information share करते हैं. और वो information क्या होता है? www, right, world wide web, the web of the information that is available on internet. So internet is like a container, okay, and that container is filled with www. So www and internet are related to each other, okay. What kind of data travels through copper wires? Copper wires से किस type का data travel करता है? तो copper wire का use करते हैं हम analog data को travel करने के लिए, right. analog data कौन सा होता है? analog data आपका होता है this continuous data, right. तो analog data को transfer करने के लिए copper wires का use किया जाता है, right. Now next, what allows your computer to work as an internet host? Okay, तो यहाँ पे कौन सा protocol help करता है आपके computer को बनने में internet host? Internet host क्या होता है? The device that is capable to access the network, right? वो device जो network को access कर सकता है with the help of interface, with the help of software. राइट तो कौन सा यहाँ पे हमारे पास प्रोटोकॉल है जो हेल्प करता है कंप्यूटर को इंटरनेट होस्ट बनने में? तो वो प्रोटोकॉल है आपका TCP/IP, राइट. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल अलाउज द कंप्यूटर टू वर्क एज एन इंटरनेट होस्ट, राइट. Now, which protocol allows your computer to connect to the internet? कौन सा protocol आपके computer को help करता है internet से connect करने में? तो वो protocol है हमारे पास PPP और SLIP. Combination of PPP and SLIP. PPP stands for point to point protocol and SLIP stands for serial line internet protocol. Okay, so PPP जो computers होते हैं वो use करते हैं PPP to communicate over the telephone network, right? ओके और द इंटरनेट नेटवर्क, फाइन. एंड स्लिप प्रोटोकॉल हेल्प्स टू कम्युनिकेट ओवर द सीरियल पोर्ट्स एंड राउटर्स. ओके, कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ, कंप्यूटर्स नेटवर्क में किसकी हेल्प से कनेक्ट होते हैं? माइक्रोवेव्स, डिशेस, सैटेलाइट्स, टेलीफोन लाइन्स. तो यहाँ पे इन सब का यूज होता है नेटवर्क से कनेक्शन के लिए, राइट. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव. माइक्रोवेव की हेल्प से भी, सैटेलाइट्स की हेल्प से भी आप कनेक्ट करते हो नेटवर्क के साथ, टेलीफोन लाइन्स के थ्रू भी, राइट. तो ब्रॉडबैंड लेते हो आप, टेलीफोन लाइन का यूज करते हो, राइट. अदरवाइज आप वायरलेस कनेक्शन लेते हो तो आप माइक्रोवेव का यूज करते हो, फाइन. नेक्स्ट, डैश इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ लोकेटिंग एंड रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन ऑन वर्ल्ड वाइड वेब. तो वर्ल्ड वाइड वेब पे आप इंफॉर्मेशन को कैसे लोकेट करते हो, कैसे रिट्राइव करते हो? तो आप रिट्राइव करते हो बाय यूजिंग द URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है? उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का एड्रेस होता है बाय स्पेसिफाइंग द URL ऑफ वेबसाइट और वेब पेज, यू कैन एक्सेस दैट इन्फॉर्मेशन, राइट. नाउ नेक्स्ट, हॉटबॉट इज वेरी पॉपुलर. हॉटबॉट क्या है? हॉटबॉट है हमारा सर्च इंजन. जैसे हमारा गूगल सर्च इंजन है वैसे ही हॉटबॉट भी हमारा क्या है? सर्च इंजन, राइट. विच प्रोटोकॉल वॉज यूज इन आर्पानेट? आर्पानेट क्या है? आपका फर्स्ट नेटवर्क, राइट. जो फर्स्ट नेटवर्क इन्वेंट हुआ था
वो है आपका ARPANET, फाइन। तो ARPANET ने कौन से प्रोटोकॉल का यूज किया था टू ट्रांसफर द मैसेज, टू ट्रांसफर द डेटा? तो ARPANET ने यूज किया था TCP/IP का यूज, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज। ओके, नाउ वी हैव मोजाइक इज एन, मोजाइक क्या है? मोजाइक है आपका ब्राउजर, और जो मोजाइक है वो फर्स्ट ब्राउजर है जिसने टेक्स्ट के साथ इमेज को डिस्प्ले कराया था, राइट? अदरवाइज क्या होता था, इमेज सेपरेट विंडो में आती थी, लेकिन मोजाइक ब्राउजर ने क्या किया था, फर्स्ट टाइम अलोंग विद द टेक्स्ट इट डिस्प्लेड द इमेजेस, राइट? नाउ व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू कैरी डेटा इन अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपोज्ड टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंसेस, राइट? अगर आप डेटा ट्रेवल करना चाहते हो, ट्रांसफर करना चाहते हो, तो कौन सा मीडियम यूज करोगे जहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस है, राइट? तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ऑप्टिकल फाइबर का, राइट? ऑप्टिकल फाइबर किससे बनता है, ग्लास से बनता है या प्लास्टिक से बनता है? ओके, एंड इन दिस केबल द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा अकर्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ऑप्टिकल फाइबर में डेटा कैसे ट्रांसफर करता है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिकल करेंट की फॉर्म में ट्रेवल नहीं करता है, किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, लाइट की फॉर्म में ट्रेवल करता है, ओके? और इसकी स्पीड क्या होती है, दूसरे जो वायर्स होते हैं उनसे ज्यादा हाई होती है, ओके? और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस से इतना ज्यादा अफेक्टेड नहीं होता है। द टर्म HTTP स्टैंड फॉर, HTTP क्या है, आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ओके, विच इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग द हाइपर टेक्स्ट ऑन द वेब, ठीक है? किसके, इसका क्या यूज होता है, हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करना। हाइपर टेक्स्ट कौन सा टेक्स्ट होता है, जिसके अंदर हाइपर लिंक्स होते हैं, तो जो भी वेबसाइट्स होते हैं, ओके, वेब पेजेस होते हैं, वो उसके अंदर क्या होते हैं, हाइपर लिंक्स होते हैं, दे ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर, राइट? तो उनको जो ट्रांसफर करता है प्रोटोकॉल, वो क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाउ द टर्म FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट? फाइल ट्रांसफर, FTP कौन सा प्रोटोकॉल है जो फाइल्स को ट्रांसफर करता है, राइट? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP प्रोटोकॉल टू वे कम्युनिकेशन करता है, ये फाइल्स को अपलोड करने में भी हेल्प करता है एंड फाइल डाउनलोडिंग में भी ये हेल्प करता है, राइट? कंसीडर द फॉलोइंग, ट्विस्टेड पेयर केबल्स, माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट्स, रिपीटर, एनालॉग ट्रांसमिशन, फाइबर ऑप्टिक, विच ऑफ द अबव इज कंसीडर्ड एज सिग्नल ट्रांसमिशन मीडियम इन डेटा कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो सिग्नल ट्रांसमिशन मीडियम है, तो यहाँ पे हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, ठीक है, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, माइक्रोवेव्स एंड सैटेलाइट्स भी आपके सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, रिपीटर एक डिवाइस है जो सिग्नल्स को क्या करता है, रिपीट करता है, रीजनरेट करता है। तो ये ऑप्शन 3 आपका रॉन्ग है। एनालॉग ट्रांसमिशन, एनालॉग ट्रांसमिशन में यहाँ पे बताया नहीं कौन सा एनालॉग ट्रांसमिशन, तो 4 इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। देन 5 फाइबर ऑप्टिक्स, ओके, फाइबर ऑप्टिक क्या है, आपका वायर है, ओके, जो क्या करता है, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 करेक्ट है, 1, 2 एंड 5, ओके?